प्रणाम मित्रों, बहुत से लोग ऐसे हैं जो जीवन में असफल होने के कारण दुखी हैं, परंतु ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो अपने क्षेत्र में सफल हैं। वह जो पाना चाहते थे उन्होंने वह पाया है, फिर भी दुखी हैं। क्या आप भी उनमें से हैं? यदि हाँ, तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि आप अपने जीवन में सिर्फ ले रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। जो भी इंसान सुखी है, फिर वह व्यवसाय के क्षेत्र में हो या फिर अध्यात्म के क्षेत्र में, यदि वे धन कमाता जाए, धन कमाता जाए, धन कमाता जाए, तो धन का कमाना उसको एक लिमिट तक सुखी तो बना सकता है, लेकिन आनंद पूर्ण नहीं कर सकता। सिमिलरली, अगर आपको लगता है कि ध्यान बहुत अच्छी चीज है, आप ध्यान करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, तो सिर्फ ध्यान करना ही आपको आनंदित नहीं कर सकता। तो क्या करना है? आपने जो चीज पाई है उसे लुटाना भी है, उसे लौटाना भी है। जी हाँ, यदि आप आनंदित रहना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि जो भी आपने पाया है उसे लौटाएं, उसे दें। इस जीवन में वो हर इंसान दुखी है, चाहे वो फिर कितना भी बड़ा अमीर हो, कितना भी बड़ा ध्यानी हो, उसने कितनी भी अपने लक्ष्य को पूरा कर लिया हो, अगर वह चीजों को लौटाता नहीं है, यदि वो लुटाता नहीं है, वो बांटता नहीं है, साधक की कहें या व्यवसायिक की कहें, वह एक अधूरी यात्रा है जब वह सिर्फ लेता है। सोच के देखिए, यदि आपसे श्वास को ले ले और ले, कभी छोड़े नहीं, तो क्या होगा? जो श्वास आपको जीवित रखती है वो मृत्यु का कारण बन जाएगी। आप भोजन सिर्फ करें करें करें, चाहे वो कितना भी स्वादिष्ट हो, कितना भी ऐसा भोजन हो जो आपका फेवरेट हो, लेकिन आप सिर्फ करें, कभी मल त्याग ना करें, तो वह भोजन भी आपको मृत्यु की ओर ले जाएगा, मार डालेगा। इसी तरह यदि आप सिर्फ धन ही धन कमाए, ध्यान ही ध्यान करें, ध्यान से उठती हुई सुगंध को, ध्यान से उठती ऊर्जा को यदि आप लौटाए नहीं, उस सुगंध को लुटाए नहीं, या उस धन जो आपने व्यवसाय से कमाया है उसको आप लुटाए नहीं, सेवा में लगाए नहीं, तब तक आप आनंदित नहीं हो सकते। तो आनंदित होने के लिए एक वर्तुल यानी एक सर्कल पूरा होना बहुत जरूरी है। ये एक अधूरी और आधी यात्रा है लूटने की यानी लेने की। लूटना एक अधूरी यात्रा है, लुटाना लौटाना एक पूरी यात्रा है। तो जब तक आपका सर्कल पूरा नहीं होगा, तब तक आप मन की करके भी, लक्ष्य प्राप्त करने के बाद भी सुखी नहीं रह सकते, आनंदित नहीं रह सकते। जिस तरह वर्षा का जल नदी में आता है और बादल से फिर वर्षा बनकर बरसता है, उसी तरह जब तक आप जो आपने लिया है, जो लूटा है, जब तक आप लौटाएंगे नहीं, तब तक आप आनंदित नहीं होंगे, फिर भले ही आप अपने मन का जीवन क्यों ना जी रहे हो। इसलिए ध्यान रहे कि आपको सिर्फ रिसीव ही नहीं करना, आपको सिर्फ लूटना ही नहीं, लौटाना भी है। आपको कमाना ही नहीं, देना भी है। आपको लेना ही नहीं, दूसरे को बांटना भी है। जिस दिन आप ऐसा करना सीख जाएंगे, आपका जो वर्तुल है वो पूर्ण हो जाएगा और आप सुखी नहीं, आनंदित जीवन जी सकेंगे। धन्यवाद।